लॉकडाउन के कारण देश में पहली बार मुस्लिम समुदाय मस्जिदों को छोड़कर घरों में नमाज और तरावी अदा कर रहे हैं। लखनऊ के मरकाजी चांद कमेटी इमाम ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ के लोगों से अपील की है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घरों में ही तिलावत करें, ताकि हम सब लोग कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। जैसा कि आपके इल्म में है कि 24 अप्रैल को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा, और अगर उस दिन चांद हो जाता है तो उसी दिन से तरावी शुरू हो जाएगी और 25 अप्रैल को इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। जो कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मुबारक महीना ऐसे हालात में आ रहा है जबकि पूरा मुल्क कहीं ना कहीं लॉकडाउन में होगा और लोग आज़ादी के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जा सकेंगे। इसलिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की तरफ से एक 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लॉकडाउन्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखते हुए हमें अपनी इबादतों को करना है। इस सिलसिले में जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें यह बात कही है कि चूँकि रोज़े रमज़ान के रखना फ़र्ज़ है तो हर मुसलमान रोज़ा ज़रूर रखें, और जो लोग रमज़ान में मसाजिद में अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जनरल अफ्तारी नहीं होगी, बल्कि जो लोग मस्जिद के अंदर रहते हैं 4 या 5 लोग वही मस्जिद में अफ्तारी करेंगे। इसके अलावा बाकी अफ्तारी जो है वो गरीब और गुरबा में ज़रूर तकसीम कर दी जाए, और जो लोग अफ्तार पार्टीज़ करते हैं तो अब की बार अफ्तार पार्टीज़ नहीं हो पाएंगी, तो जो अफ्तार पार्टीज़ का अमाउंट है या फ़ंड है वो गरीब गुरबा और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें। इसी तरीके से जो तरावी की जमात होती है तो ज़ाहिर सी बात है वह सुन्नत मुअक्कदा है, उसको हर मुसलमान को अदा करना है। और तरावी की 2 सुन्नतें हैं, एक तो ये सुन्नत है कि पूरे रमज़ान में तरावी का अहतमाम किया जाए, और दूसरी ये सुन्नत है कि एक कुरान तरावी में ज़रूर मुकम्मल किया जाए। लिहाजा जो लोग मस्जिद में रहते हैं 4 से 5 लोग, वो लोग मस्जिद में तरावी ज़रूर पढ़ें और उसमें जो हाफिज़ कुरान है वो पूरा कुरान ज़रूर कम्प्लीट करें, और बकिया लोग अपने अपने घरों में जो लोग घर में रहते हैं खाली वो लोग तरावी बाजमा ज़रूर पढ़ें, और उन 20 रकातों में जिन लोगों को पूरा कुरान याद है ज़ाहिर सी बात है वो पूरा कुरान पढ़ें, और जिन लोगों को पूरा कुरान नहीं याद है तो जितना भी याद है उन 20 रकातों में उतना ही कुरान रोज़ाना उसको पढ़ने का अहतमाम किया जाए, और इस मुबारक महीने में जो लोग ज़कात देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात अदा करें, जिससे कि इस मुबारक महीने में कोई भी शख्स पूरे मुल्क में ऐसा ना हो जो कि शाम को भूखा रहे। लिहाजा इस मुबारक महीने में खुसूसन रोज़ेदारों से यह भी से अपील है कि अफ्तार का वक्त जो कि दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है उस वक्त ये ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की इस बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दें। और मेरी एक बार फिर से ये अपील है कि चूँकि जो लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला है, उस पर पूरी तरीके से ज़रूर अमल किया जाए, क्योंकि ये अमल करना ख़ुद आपकी अपनी जान के लिए, आपके घर वालों की जानों की हिफाजत के लिए, और आपके महल्ले और शहर और पूरे मुल्क में रहने और बसने वाले इंसानों की जानों के लिए ये नहायत ही ज़रूरी और लाजमी है।